वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग खुश होंगे और अपनी अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ खूब सारी मस्ती कर रहे होंगे। दोस्तों, इस बार का जो ब्लॉग है ना, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं आपको दिखाने लेके जा रहा हूँ वर्ल्ड फेमस वन हॉर्न राइनो। क्या आपको पता है कि वन हॉर्न राइनो कहाँ मिलता है इंडिया में? जी हाँ, सही कहा आपने, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो हम चलेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क और वहाँ पे हम करने जा रहे हैं एलिफेंट सफारी। और एलिफेंट सफारी करते करते मैं ट्रिप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा, जैसे कि हमेशा करता हूँ। लेकिन आप लोग बिना सब्सक्राइब के ही चले जाते हो, जो कि बहुत ही नाइंसाफी है दोस्तों। तो आपको पता है ना, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो क्या करना है आपको एंड में? नहीं। जी हाँ, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। तो देर नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। दोस्तों, ये है हमारा प्यारा देश भारत, और अगर हमें काजीरंगा आना है तो हमें आना पड़ेगा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब पूर्वोत्तर भारत। तो काजीरंगा पड़ता है हमारा असम में, और जो सबसे नियर स्टेशन में आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ वो है जोरहाट। जोरहाट से आप 2.5 से 3 घंटे में काजीरंगा पहुँच जाएंगे। जोरहाट में आपको दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा, जो कि ट्रेन और फ्लाइट है, तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास रहेगा। काफ़ी लोग आपको गुवाहाटी सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन गुवाहाटी से जो आपको टाइम लगेगा वो 5 से 6 घंटा लगेगा। हालांकि आपको जोरहाट से 2.5 से 3 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि मैं खुद एक आसामीज लड़का हूं, तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस ब्लॉग में प्रोवाइड करूंगा वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल का होगा और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगा। तो आप लोग पूछ रहे होंगे कि अगर आप आसामीज हो तो आप हिंदी में क्यों ब्लॉग बना रहे हो? दोस्तों, मैं हिंदी में इसीलिए ब्लॉग बना रहा हूं ताकि हमारी देश के सभी जगह के लोग इस ब्लॉग को देखें और समझें कि असम कितना खूबसूरत है। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा साथ में कि आप असम ज़रूर विजिट कीजिए, काफ़ी सारी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए। तो अभी तक आप असम पहुंच गए होंगे और असम से आपने काजीरंगा तक का सफ़र कर लिया होगा। इसके आगे का जो सफ़र है वो जंगल सफारी का है, मतलब एलिफेंट सफारी का। उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं मैं। तो उसके लिए मैं गूगल अर्थ का सहारा लूँगा, सेटेलाइट इमेजेस के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ से कहाँ तक आपकी सफारी होगी। तो ये है काजीरंगा का मेन एंट्रेंस गेट, और यहाँ से थोड़ा सा हम जूम करेंगे तो ये है सेंट्रल रेंज का मेन गेट, जहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे। तो यहाँ से होते हुए थोड़ा आगे चल के आपको पहुँचना है एलिफेंट सफारी का पॉइंट नंबर 1। तो ये है वो जगह जहाँ से आपकी एलिफेंट सफारी शुरू होगी, और थोड़ा जूम आउट करते हैं, इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट तक लेके जाएंगे, मतलब इस यहाँ से ऐसे होते हुए आपको जंगल के बीच में से ऐसे लेके पॉइंट नंबर 2 तक लेके जाएंगे। यहाँ पे आपका सफारी एंड होगा और यहाँ से आपका जीप आपको लेके वापस जा सकता है। तो आपकी सफारी शुरू होगी यहाँ पे और ख़त्म होगी यहाँ पे। इसके अलावा और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो कि मतलब बताने में क्या बताऊँ मैं आपको, हर साल ये ट्रेजेडी काजीरंगा में होता है। जो ये ब्रह्मपुत्र नदी आपको दिख रही है, ये इतनी बड़ी नदी है, यहाँ पे हर साल मानसून में फ्लड आता है, और फ्लड के वजह से जितने भी जानवर हैं उनको काफ़ी सारी दिक्कतें आती है, क्योंकि वो पानी अंदर आ जाते, पूरा जंगल पानी से भर जाता है। आपने काफ़ी टाइम न्यूज़ में भी देखा होगा। तो ये जो है हर साल ही ट्रेजेडी काजीरंगा के जानवरों को भुगतना पड़ता है, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बट ये नेचुरल चीज़ें हैं, उसमें क्या कर सकते हैं। काफ़ी सारे हाई पॉइंट्स बने हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम हर साल ही आ रही है। तो ये है आपका मेन गेट, यहाँ तक आपका जीप जो कि आपने होटल या होमस्टे से हायर किया होगा वो आपको यहाँ तक ड्रॉप करेगा। यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आईडी वगैरह दिखाने हैं, गेट पास दिखाना, तभी आप आगे जा सकते हैं। तो इसी जीप को आप आगे जीप सफारी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लॉग को एंड तक देखिए, मैं सारी रेट वगैरह टाइमिंग वगैरह साथ साथ बताता जाऊँगा। एलिफेंट सफारी सुबह 5 बजे शुरू हो जाती है, तो उस दिन आपको नींद की थोड़ी तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ आपको 4:30 बजे तक पहुँच जाना पड़ेगा, तभी जाके आप 5 बजे का सफारी कर सकते हैं। वैसे भी जब आपको पता होगा कि आपकी नेक्स्ट मॉर्निंग एलिफेंट सफारी होने वाली है काजीरंगा में, तो नींद वैसे भी नहीं आएगी आपको।
तो जो एलिफेंट सफारी का जो फर्स्ट ट्रिप होता है ना, वो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग, सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग होता है, क्योंकि उस टाइम ना सारे जानवर की स्पॉटिंग सबसे ज़्यादा होती है। जानवर देखने का मतलब आपको मौका उस टाइम ज़्यादा मिलेगा। जैसे जैसे क्राउड बढ़ेगा, एनिमल्स इधर उधर हो जाएंगे, तो उस टाइम थोड़ा सा स्कोप थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन देखने को तो तब भी मिलेगा। बट मॉर्निंग का जो फर्स्ट ट्रिप होता है वो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग होता है। तो हमारी सफारी तो शुरू हो चुकी है दोस्तों। सफारी जो होती है उसमें 20 हाथियों का एक ग्रुप एक ही साथ चलता है, और एक अगर एडल्ट हाथी है तो उसमें 3 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन अगर हाथी का एज अगर कम हो या बहुत ज़्यादा हो हाथी का एज, तो उसमें 2 लोग ही बिठाते हैं। सभी हाथी रजिस्टर्ड होते हैं और बहुत अच्छे से ट्रेंड होते हैं। दोस्तों मैं बताना भूल गया कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो अप्रॉक्स 900 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर सफारी की बात कर तो सफारी में 2 रेंज है यहाँ पे, वेस्टर्न रेंज जिसको बागोरी रेंज कहते हैं और सेंट्रल रेंज जिसको कोहरा रेंज करते हैं। दोनों ही रेंज में काफ़ी सारी पॉपुलैरिटी अपनी अपनी जगह है। कुछ लोग सेंट्रल रेंज पसंद करते हैं, कुछ लोग वेस्टर्न रेंज पसंद करते हैं, तो दोनों का अपना अपना मतलब अपनी अपनी चॉइस है लोगों की। और इसमें एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, वो है कि एलिफेंट सफारी में 4 साल के नीचे के जो बच्चे होते हैं उनको अलाउड नहीं होता है सफारी में पार्ट लेने का। मुझे पता है कि आपका अगला सवाल क्या होगा। आपका अगला सवाल यही होगा ना कि सफारी की बुकिंग कहाँ से करें। वर्चुअली तो आप हमें घुमा रहे हो, लेकिन बुकिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी अभी तक। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। जी हाँ, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। दोस्तों ऑनलाइन जो काजीरंगा नेशनल पार्क का जो पोर्टल है वो अभी एक्टिव नहीं है फिलहाल, लेकिन बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज हैं यहाँ पे जो आपके लिए बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप होटल पे भी बोलेंगे तो आपके होटल वाले ये बुकिंग कर सकते हैं, प्लस जो जीप का ड्राइवर है उनको बोलेंगे तो वो भी आपके लिए बुकिंग कर सकते हैं। और इन सब से अगर नहीं हो पाए तो आपका भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, आप मैसेज कीजिए, मैं आपके लिए वो काम करवा दूंगा। तो अगर मैं सफारी की टाइमिंग की बात करूं तो कोहरा रेंज जो कि सेंट्रल रेंज है उसकी टाइमिंग सुबह 5 से 6, फिर 6 से 7, और बागोरी रेंज जो कि वेस्टर्न रेंज है उसकी टाइमिंग है 5 से 6, 6 से 7, फिर 7 से 8। ये जितनी भी डिटेल्स है टाइमिंग से लेके रेट से लेके वो सारी चीज़ें मैं एंड में एक शीट बना के समराइज करके आपको डाल दूंगा वीडियो के एंड में, तो आपको समझने के लिए और आसानी रहेगी। हमारा जो सफारी है वो सेंट्रल रेंज में है, जो कि बहुत ही पॉपुलर रेंज है। काफ़ी लोग वेस्टर्न रेंज भी प्रीफर करते हैं, लेकिन हमने सेंट्रल रेंज में जाना पसंद किया। तो आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो और सफारी के दौरान काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसका एक चेकलिस्ट बना के वो एंड में आपको डाल दूंगा मैं। तो सफारी के दौरान आपको काफ़ी सारे वन हॉर्न राइनोसोरस देखने को मिलेगा, काफ़ी सारे डियर मतलब हिरन्स देखने को मिलेंगे, वाइल्ड बफेलो आपको दिख सकता है, साथ ही साथ काफ़ी सारी प्रजातियों के आपको पक्षी भी देखने को मिलेंगे। शेर की मतलब टाइगर की उम्मीद ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि टाइगर घने जंगल में होते हैं, वो मोस्टली जीप सफारी के दौरान ही स्पॉटिंग होते हैं। और अगर शेर ने आपको दर्शन दे दिया तो वो आपकी खुशनसीबी होगी या बदनसीबी हो तो आपका टाइम ही बताएगा। हंसी मजाक तो चलता रहेगा और ज़रूरी भी है ना लाइफ में। तो इसी बीच में आपको और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखा होगा यूट्यूब में जहाँ पे राइनो को अटैक करते हुए देखा होगा, काजीरंगा में हो गया या मानस में या किसी भी वाइल्ड लाइफ सफारी में आपने देखा होगा। वो कब होता है पता है आपको? वो तब होता है जब राइनो के साथ राइनो का बच्चा हो, जब माँ के साथ बच्चा हो और उसको सामने वाले से खतरा महसूस हो तभी वो अटैक करती है, नहीं तो राइनो बहुत ही शांत होते हैं। दोस्तों माँ का प्यार तो माँ का प्यार ही होता है ना, वो चाहे इंसान हो या जानवर हो, माँ हमेशा बच्चों का ध्यान रखती है। तो अगर आप इस तरह के सिचुएशन में कभी भी फंस जाए ना, आप साइड से निकल जाइए, ज़्यादा पास जाने की कोशिश मत कीजिए और उनको डराइए मत, वही आपके लिए सेफ रहेगा। दोस्तों काजीरंगा विजिट करने का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो होता है नवंबर से मार्च तक का, क्योंकि उस टाइम वहाँ की झाड़ियों को काट दिया जाता है और आप बहुत दूर तक देख सकते हैं, जो कि फोटोग्राफी के लिए या एनिमल स्पॉटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। काजीरंगा का जो सफारी है बहुत ही एक्साइटिंग होता है, क्योंकि जानवर को इतनी नज़दीक से देखना और जंगल में ऐसे टाइम स्पेंड करना एक तरह का मतलब बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग और एडवेंचरस होता है। क्या कहते हैं आप?
दोस्तों ये था एक छोटा सा ब्लॉग काजीरंगा एलिफेंट सफारी के ऊपर। आई होप आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कीजिए इंस्टा में, यहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करूँगा। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के ट्रैवलिंग ब्लॉग्स आप तक आते रहें। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए और घूमते रहिए अपने दोस्त और फैमिली के साथ। सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।